कि सबका अपना पर्सनल पूल है एंड समझ नहीं आ रहा भाई ये पैलेस है या फिर एक कॉलोनी है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो भाई प्रॉपर्टी लिटरली कितनी बढ़िया है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको एक कार्ट करनी पड़ती है। तो गाइस अभी ना मैं ITC भारत के ऊपर वाले फ्लोर पे था, ठीक है, एंड यहाँ की एक चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगी मैं सच्ची बताऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल अदर होटल्स में मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखी, यहाँ पे लाइव गन्ने का जूस आपके सामने निकाल रहे हैं। बिफोर बारात जस्ट लुक एट दिस पैलेस यार, रात को तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये एक डमी रोल्स रॉयस जिसमें आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। भाई ये देखना आगे ट्रक, वेडिंग तो बेसिकली शाम को है, अभी मेहंदी चल रही है। मैं आपको पहले पूरी प्रॉपर्टी का एक टूर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेहंदी में लेके चलूंगा, बट मैं मेहंदी ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, मैक्सिमम एक या दो मिनट की, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस व्लॉग को बोर नहीं करना चाहता। इतनी अमेजिंग वेडिंग है आज आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको फटाफट पहले टूर देता हूँ, उसके बाद आपको मेहंदी में लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगा वेडिंग में। मतलब नेक्स्ट लेवल वेडिंग है आज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। इधर सबके अपने अपने पर्सनल फ्लैट्स हैं यहाँ पे, और उनके आगे बिल्कुल अपना पर्सनल स्विमिंग पूल है। मैं दिखाता हूँ आपको, सबका अपना पर्सनल पूल है एंड समझ नहीं आ रहा भाई ये पैलेस है या फिर एक कॉलोनी है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो भाई ऐसी प्रॉपर्टी लिटरली कितनी बढ़िया है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको एक कार्ट करनी पड़ती है। ये प्रॉपर्टी की अपनी प्राइवेट है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आपको इसमें बैठ के जाना पड़ेगा। गोल्फ कोर्स जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, भैया कह रहे हैं। बस थैंक यू भैया। तो भाई अपन पहुंच गए लॉबी, अंदर चलते हैं। तो गाइस यहां से अपनी लॉबी की एंट्री है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, लेट्स गो।
तो गाइस अभी ना मैं आईटी से भारत के ऊपर वाले फ्लोर पे था, ठीक है। एंड यहाँ की एक चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं सच्ची बताऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल अदर होटल्स में मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखी कि ये जैसे लिफ्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे लिफ्ट में भी आप बिना टच किए यहाँ से अप एंड डाउन लिफ्ट को बुला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू गो अप, ठीक है, तो मैं अप पे दबाऊँगा, मैंने अप पे दबाया, आइए और लिफ्ट आ जाएगी, ठीक है। दे आर फॉलोइंग दिस सोशल डिस्टेंसिंग वेरी स्ट्रिक्टली। ये लिफ्ट आ गई एंड इसके अंदर भी आप यू डोंट हैव टू टच, इसके अंदर भी सेंसर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम देखे किसी भी लिफ्ट में, फॉर एग्जांपल मेरे को सेकंड फ्लोर पे जाना है, ठीक है, मैं टच नहीं करूँगा, ये मैंने टच नहीं किया, बट उसने देखो वहाँ से उसने प्रेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 पे सिर्फ आगे लेके जाऊँगा तो 1 का बटन दबा देगा, 2 पे टच नहीं कर रहा मैं, दिस इज द थिंग, दे आर फॉलोइंग दिस सोशल डिस्टेंसिंग वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी गुड यार। फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहाँ पे है हमारा हल्दी वाला फंक्शन, बेसिकली हल्दी मेहंदी मिक्स है, तो लेट्स गो, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। बाहर से डेकोरेशन बहुत प्यारी लग रही है, ये उनका हैशटैग है केजे फॉरएवर। ये एंट्रेंस से घुसते सबसे पहले हमारे राइट साइड पे कॉफी बाइट, ओके टॉफीज है सारी। ठीक है, एंड उसके आगे यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, एंड ये अपना बार है पूरा। एंड बार में सबसे यूनिक चीज क्या है, यहाँ पे लाइव गन्ने का जूस है, लाइव गन्ने का जूस आपके सामने निकाल रहे हैं एंड आपको सर्व कर देंगे। ये अपना बार है पूरा, यहाँ पे डीजे एंड उस साइड खाना है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, फटाफट करते हैं उसके बाद आपको वेडिंग में लेके चलता हूँ। ओके दीज आर मोमोज, राजमा, ब्रेड्स, कॉर्न बन, ओके बर्गर, ये बर्गर है, बिरयानी, प्लेन राइस, पनीर, ये सारा अपना भाई है लंच है, छोड़ो डेजर्ट में लेके चलता हूँ। माय गॉड, ये अपना डेजर्ट है भाई, सबसे पहले है खीर, ये बेसिकली फिंडनी है, ठीक है, एंड बेक गुलाब जामुन, चीज केक, 5 hours later.
जिस चीज का वेट था इट्स हैपनिंग नाउ, बारात आ चुकी है। बट बिफोर बारात जस्ट लुक एट दिस पैलेस यार, रात को तो ये और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बारात पे चलते हैं, उसके बाद जयमाला दिखाएंगे, अमेजिंग रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आगे बारात आ चुकी है बट उसके पीछे पीछे चल रही है ये एक डमी रोल्स रॉयस जिसमें आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अमेजिंग, आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखना आगे ट्रक, तो गाइस ये जो ट्रक है जिसको इतनी पावर मिल रही है उसके आगे आगे एक जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से उसको इतनी पावर मिल रही है। और इसमें इतनी सारी LED लाइट पैनल्स लगे हुए हैं और इतना लाउड सिस्टम लगा हुआ है, जो सारी पावर है वो पीछे इससे आ रही है। तो वैसे अपनी ब्राइड है एंड वहाँ पे बारात आ चुकी है, यहाँ पे जयमाला होनी है। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट से जयमाला की जाएगी, पूरा दिखाऊंगा।
एंड पीछे से दूल्हे राजा चढ़ेंगे। मैंने आज तक ऐसी जयमाला कभी नहीं देखी किसी वेडिंग में। सीरियसली भाई लिट थी। मैंने तो पहले कहा था यार वेडिंग इतनी अमेजिंग है, मानते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, अगर अब मान गए हो और ऐसी और भी वेडिंग्स देखना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी,
और इस वीडियो को हर उस बंदे के साथ शेयर करो जिसकी भी शादी है, उसको बताओ कि ऐसा ही थीम रखवाना है। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वेडिंग में। थैंक यू।